ठीक है, कि वो ई का हुआ पी बटा वन, वन छिपा हुआ है भाग में। तो इस पी को हम क्या समझेंगे, पी बटा और फिर एक त्रिभुज बनाएंगे, यह एंगल ये हो गया। कैसा होता है लंब बटा, तब लंब पी हुआ आधार वन कट बता दीजिए रूप करता, ठीक है, पी स्क्वायर फिर इसके लिए उसी तरह क्यू का अर्थ हुआ क्यू बटा, फिर एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह कोण भी है इसमें, और कोण में क्या होता है आधार बटा, आधार हो गया क्यू लंब हुआ कोण बताइए क्यू का स्क्वायर प्लस, और अब इसलिए कॉस ए माइनस बी, अब इसका फॉर्मूला लिखें डबल कॉस, डबल डबल साइन होता है तीन उल्टा होता है याद आ रहा है, और कॉस ए का मान इसमें आपका निकाल है, कॉस ए का अर्थ होता है आधार बटा यानी कि वन बाई कॉस बीटा, कॉस बी है इसमें आकर निकाले, ठीक है, इस त्रिभुज में भी कौन है कॉस बी में फिर आधार बटा क्यू बटा, समझ में आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कॉस ए उस त्रिभुज में जाकर निकालें आधार बटा कॉस बी का मान इस त्रिभुज में आधार बटा, अब साइन ए और साइन बी निकालना है, साइन ए कहाँ निकलेगा ऊपर वाला त्रिभुज में, साइन ए बराबर लंब बटा सी बाई, और साइन बी इसमें निकलेगा वन बाई उसंदर, है ना। अब देखिए कैलकुलेशन, दोनों का एलसीएम सेम है, कितना उसंदर स्क्वायर प्लस एक टू होगा एलसीएम, तो अब ऊपर का कैलकुलेशन क्या होगा क्यू गुना हुआ मतलब क्यू प्लस क्या हो गया आपका, समझ में आया समझा दिया। Thank you.